आज के चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर नंबर टू से। तो ये चैप्टर नंबर टू कहां से स्टार्ट हुआ और क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण था एक स्टोरी। वो कौन सी स्टोरी है, इसकी शुरुआत हम करते हैं। इजिप्ट की बात है। इजिप्ट सभी ने नाम सुना होगा हिस्ट्री की बुक्स में। इजिप्ट के अंदर एक राजा रहता था इजिप्ट में एक राजा रहता था और वो राजा के कुछ सेवक होते थे और उसमें एक मुख्य सेवक था जिससे वो राजा बहुत ही खुश था। वो राजा बहुत ही खुश था। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वहीं से यूनिट एंड डायमेंशन का इजाद हुआ। तो इजिप्ट का कोई राजा था और वो अपने सर्वेंट से बहुत ही खुश हुआ उसकी सर्विस को देखकर, और उसने इस सर्वेंट को कुछ जमीन दान में दे दी, गिफ्ट दे दिया, कुछ लैंड का टुकड़ा इसने गिफ्ट दे दिया। लेकिन तब तक मेजरमेंट के लिए कोई डिवाइसेस नहीं आई थी कि किससे नाप तौल के ये चीजें हम दें। तो हम देखते हैं ना, आज भी कभी कभी हम हाथों से चीजों को कुछ नापते हैं, कुछ अंगूरों से भी नापते हैं, कुछ उंगलियों से भी नापते हैं, कुछ पैरों से फुट से नापते हैं। तो राजा ने क्या काम किया, राजा ने अपने 100 कदम पैर चलकर वो एक जमीन उसे गिफ्ट में दे दी। तो उसने लेट सपोज 100 फुट जमीन उसे गिफ्ट में दे दी। सर्वेंट बहुत खुश हुआ और सर्वेंट उस लैंड पर खेती बाड़ी करने लगा क्योंकि राजा ने उसे गिफ्ट दिया था। कुछ समय बीता, टाइम के पास होने पर, जैसे जैसे टाइम पास हुआ, कुछ सालों बाद ही किंग मर गया, किंग की डेथ हो गई। फिर किंग का जो सक्सेसर आया, जिसको हम सेकंड किंग बोल सकते हैं, ये हमारे पास किंग टू आ गया, लेट सपोज उसका सक्सेसर आ गया, और सर्वेंट के भी काफी बच्चे हो गए होंगे उस वक्त। तो लेट सपोज ये सर्वेंट बूढ़ा हो चुका था और ये सर्वेंट अपनी गुजर बसर कर रहा था इसी जमीन को लेकर। तो हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे किंग सेकंड आया, किंग सेकंड को ये सर्वेंट खलने लगा। उसने इस लैंड का इंस्पेक्शन कराया दोबारा कि मेरे फादर ने 100 फुट जमीन दी थी। तो जब इस किंग ने 100 फुट नापे तो इसको पता लगा कि इसके 100 फुट जो थे वो यहीं पर कवर अप हो गए। इसका 100 फुट यहीं पर कवर अप हो गया और इसका 100 फुट यहां पर कवर अप हो रहा था। दैट मींस इस किंग की नजरों में ये सर्वेंट गलत साबित हो जाता है क्योंकि इस किंग के अकॉर्डिंग इस सर्वेंट ने इतनी जमीन धोखे से हड़पी है। और फिर इस किंग सेकंड ने इस सर्वेंट को फांसी पर लटका दिया, इसको मरवा डाला। दैट मींस अगेन मैं स्टोरी के तथ्य पे जाऊंगा कि जो किंग था, इजिप्ट का राजा था पहले वाला, उसने सर्वेंट की सर्विस से खुश होकर 100 फुट जमीन दान में दे दी। और उस टाइम पर कोई मेजरिंग पैरामीटर नहीं होते थे जिस कारण से उसने 100 फुट जमीन अपने पैरों से नाप के दे दी। कुछ सालों बाद ये किंग मर गया, इस किंग की डेथ हो गई। किंग सेकंड जो आया उसने दोबारा री इंस्पेक्शन किया इसी जमीन का, उसने पाया कि उसका 100 फुट तो यहीं तक कवर अप हो गया। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या गिना जाता है कि जो पहले का किंग होगा उसका फुट थोड़ा बड़ा था और जो सेकंड किंग था उसका फुट थोड़ा छोटा निकला, तो दोनों के फुट में फर्क आया। इसके फुट में फर्क आया तो 100 फुट यहां तक कवर हो गया क्योंकि ये बड़ा था फुट, और जैसे ये छोटे फुट थे तो छोटे फुट तो यहीं पर खत्म हो जाएंगे 100 पर। दैट मींस इनके फुट वेरी कर गए। दैट मींस ये जो पार्ट वेरिएबल आया हमारे पास, जो कि मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं ना, वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज होता रहे, इसका मतलब ये फुट वेरिएबल हो गया। और वेरिएबल कंडीशन को हम कभी भी मेजरिंग पैरामीटर नहीं बोल सकते, ये हमें उस टाइम पर समझ में आई बात। दैट मीन्स अगर आप फुट करके जमीन नाप में दोगे तो आने वाली पीढ़ियां उसे धुतकार देंगी, उसे कहेंगी कि ये गलत है, क्योंकि आने वाले टाइम पर जैसे जैसे हम देख रहे हैं, पहले इंसान 8 फुट के 7 फुट के हुआ करते थे और अब तो 6 फुट की मैक्सिमम हाइट ही बन गई है। तो दैट मीन्स जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे हमारा जो टेम्परेरी पैरामीटर है, जस्ट वेट अ मिनट, स्क्रीन इज ब्लैंक, जस्ट वेट अ मिनट। अब ठीक आ रही है लवण्या, पुण्या?
ओके, पुण्य की अभी भी ब्लैंक है, जस्ट वेट अ मिनट। पुण्य अगर डाटा से तो नहीं चला रहे हैं, अगर डाटा से चल रहा होगा तो मे भी प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ ओके, डाटा से हो रहा है ना, तो डाटा में अगर हमारी स्पीड मिनिमम 3 Mbps की रहनी चाहिए तो वीडियो एकदम स्मूथ चलेगी। अदरवाइज ये सारा पार्ट रिकॉर्डिंग में है, ये 12 महीने आपके पास रिकॉर्डिंग में रहेगा। अगर थोड़ा बहुत कुछ छूट भी गया है तो आप उसे रिकैप कर लेना, आ जाएगा। लेकिन हाँ, मुझे बताते रहना बीच बीच में अगर स्क्रीन फ्रीज हो जाती है तो। नहीं हाँ, बाद में चेक करना, अभी क्लास लेते हैं। बाकी जिसकी वाईफाई से क्लासेस चल रही हैं उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो भी वीडियो है ये अभी HD में चल रही है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो मैंने स्टोरी सुनाई ये सभी को समझ में आ गई, या रिपीट करूं? स्क्रीन पहले फ्रीज तो नहीं हो गई थी? ओके, मिताली का क्लियर है, पुण्या ने भी, ठीक है लवण्या। ओके, तो निष्कर्ष क्या निकला कि ये फुट बड़ा था और ये फुट छोटा था, जिस वजह से सर्वेंट की जान चली गई। तो जमीनी स्तर पे जो युद्ध होना स्टार्ट हुए थे, एक एग्जाम्पल के तौर पे आज जम्मू एंड कश्मीर का जो युद्ध है जमीनी स्तर पर ही होता है, ड्यू टू द मेजरमेंट पार्ट की वजह से ही होता है। कभी ये पहाड़ उधर, कभी ये पहाड़ इधर, दैट वजह से, इस वजह से हमारा जो मेजरमेंट पार्ट है वो फेल हो जाता है। तो दैट मीन्स वेरिएबल पार्ट को हम रेफरेंस पॉइंट नहीं मान सकते। तो चुनौती हमारे सामने क्या थी कि एक ऐसा पार्ट लो जो कि सालों साल कांस्टेंट रहे। अगर इस राजा का फुट और इस राजा का फुट सेम होता तो कभी भी सर्वेंट की जान नहीं जाती। इसका मतलब ये फुट वेरिएबल था जिस वजह से उस सर्वेंट की जान चली गई, क्योंकि जमीन का जो मेजरमेंट पार्ट था वो वेरी कर गया। तो सवाल यहीं से पैदा होता है कि हमें यूनिट एंड डायमेंशन की जरूरत पड़ी जो कि पूरी दुनिया उसे माने। और इस चैप्टर को हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि किसी और सर्वेंट की जान ना जाए। तो शुरुआत करते हैं हम कुछ यूनिट से, डायमेंशन अभी इसके बाद पढ़ेंगे, कुछ यूनिट से हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें पहला पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं उसे हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब था कि पूरी दुनिया इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेसिक पर चलेगी। फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिससे किसी और सर्वेंट की जान ना जाए। ये ऐसी क्वांटिटीज थी जो कि इंडिपेंडेंट थी। इंडिपेंडेंट जैसे अगर मैं कभी भी किसी भी रोड को नापता हूं, किसी भी एक पैरामीटर को या किसी भी एक गली को नापता हूं, तो ये पार्ट मेरा मीटर से रिलेटेड रहेगा। अगर मैं कभी भी किसी भी वेट को मेजर करता हूं तो ये पार्ट मेरा हमेशा केजी से रहेगा। न केजी मीटर में कन्वर्ट, केजी से रहेगा। न केजी मीटर में कन्वर्ट हो सकता है, ना ही मीटर कभी केजी में कन्वर्ट हो सकता है। कभी कोई टाइम पैरामीटर की बात आए, कोई बॉडी अगर भाग रही है तो इसमें टाइम पैरामीटर आ जाता है। टाइम पैरामीटर मेरा सेकंड होगा। बहरहाल सेकंड और मीटर का एक रिलेशन होता है जिसको हम स्पीड बोला करते थे अपनी क्लास 9th में। सो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास आई जिसको हम लिखने लगे कि ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। तो द क्वांटिटीज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही यूनिट का इजाद हुआ। जैसे मान लो ये मेरे पास लेंथ है, लेंथ क्या हो गई क्वांटिटी, लेंथ की यूनिट क्या हो गई मीटर, केजी क्या हो गया वेट, वेट की यूनिट क्या हो गई केजी। सेकेंड मतलब टाइम, टाइम की यूनिट क्या हो गई सेकेंड। जो जो क्वांटिटीज हैं वो है लेंथ, इसको बोल सकते हैं मास, वेट की जगह मास बोले तो ज्यादा अच्छा है, और उसके बाद यहां पर ये टाइम। अच्छा, हमने मास और वेट में डिफरेंस पढ़ा होगा, अभी बात आ गई है तो इसे क्लियर करके चलते हैं। एक होता था मास और एक होता था वेट। तो हम क्या बोलते थे, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बताओ, इसके लिए मैं एक आपको बॉडी दिखाता हूं। ये मान लो मैंने एक लोहे का टुकड़ा काट लिया, बीच में से काट लिया, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ ना कुछ है।
अब यहां छोटे छोटे पार्टिकल्स तो होंगे आयरन के, या आयरन के जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उन पर वेट फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। अब ये जो मास के पार्टिकल, मास क्या होता था, विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस को घेर ले वो मास होता था, ये हमने नाइन्थ में पढ़ा था। तो इसने आयरन ने स्पेस को तो घेर ही लिया, और इसमें जो भी मेरे पास छोटे छोटे पार्टिकल हैं ये मास के पार्टिकल हैं। अगर इस मास के पार्टिकल पर एक्सेलरेशन लग जाए, जिसको हम फोर्स बोलते थे, फादर इज इक्वल टू मां, दैट मींस एफ फॉर फोर्स, एम इज फॉर मास, ए फॉर एक्सेलरेशन, किसी भी मास पर एक्सेलरेशन कर दिया जाए तो वो फोर्स में तब्दील हो जाता है। जैसे मान लो आप रोड पर चल रहे हैं और आपने एक पत्थर देखा और उसे किक मारे, आप फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल में भी सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन ही लगता है, क्योंकि फुटबॉल क्या है, हमारा मास, उस पर जैसे आप किक मारते हैं दैट इज कॉल्ड एन एक्सेलरेशन। जब मास और एक्सेलरेशन कंबाइंड फॉर्म में आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, फोर्स बन जाता है। तो जो वेट है वो हमारा फोर्स है, लेकिन मास हमारा फोर्स नहीं है। वेट हमारा फोर्स क्यों हो जाता है, जब कभी भी किसी भी मास पर एक्सेलरेशन अप्लाई हो जाएगा तो वो फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। सीधी सी बात, आपको कोई धक्का मारे पीछे से, धक्का मारने का मतलब ही एक्सेलरेशन कराना होता है। आप अगर रेस्ट पर थे और आपको किसी ने सीधे शॉक दिया या सीधे आपको एक जर्क दिया तो वो जर्क फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब जब छोटे छोटे पार्टिकल्स पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है, अच्छा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटी, ये हमने नाइन्थ में पढ़ा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी जैसी लग जाती है, दैट मीन्स अगर किसी भी मास पर एक्सेलरेशन अप्लाई हो जाए तो वो फोर्स बन जाता है। तो किसी भी मास पर जब ग्रेविटी अप्लाई हो जाए तो वो क्या बन जाता है, वेट बन जाता है। तो मास और वेट में ये डिफरेंस है, इसलिए हमने यहां पर मास लिया, वेट नहीं ले सकते। वेट ले ली तो एक और सर्वेंट की जान चली जाएगी, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि फूट को लिया था, फूट वेरिएबल था। अगर वेट को मैं रेफरेंस में ले लेता हूं तो वेरिएबल पार्ट कैसे होगा, ग्रेविटी अर्थ की कुछ और है, मून पर जाएंगे कुछ और हो जाएगी। तो ग्रेविटी चेंज होती ही वेट चेंज हो जाएगा, जिस वजह से हम वेट को रेफरेंस नहीं मान सकते यूनिट एंड डायमेंशन के लिए। तो हमने मास को रेफरेंस माना। चाहे हम चांद पे चले जाए, ऐसा तो नहीं होता चांद पे जाने के बाद हमने ये तो सुना है कि हमारा जो वेट है वो 1/6 रिड्यूस हो जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि मास रिड्यूस हो जाता हो, हम वहां पे जा रहे हैं और हमारे एक हाथ गायब हो जाए, ऐसा तो नहीं होता, एक सर गायब हो जाए, गायब कुछ नहीं होता ना, हमारी पूरी बॉडी रहती है, दैट मीन्स मास पूरा रहता है, लेकिन उस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है वो चेंज हो जाता है, जिस वजह से हमारा वेट रिड्यूस हो जाता है। तो वेट वेरिएबल कंडीशन में आ गया, इसलिए मैंने यहां पर वेट को हटा दिया और क्या लिख दिया, मास, क्योंकि मास लेंगे हमेशा जो कि कॉन्स्टेंट रहेगा। आई होप ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, अगर पहले दो महीने आपने 11th पर ग्रिपिंग बना ली तो 11th क्लास बहुत आसान लगनी है, और रट्टाफिकेशन के ऊपर बिल्कुल मत चलना 11th में, क्योंकि जो भी पेपर बन के आएगा वो बाहर से ही बन के आएगा, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमें डेवलप करना है इस बार पेपर से। 10th में तो पता होता था ना कि ये आ रहा है, सीधे फिक्स होते थे क्वेश्चन 10th में, और इस बार तो वो भी पेपर भी नहीं हुआ। सो 11th में ऐसा नहीं होता, तो 11th में थोड़े पैरामीटर चेंजेस हैं, वो मैं सब आपको बताता हुआ चलूंगा। काउंसलिंग सेशन भी लिया करेंगे हफ्ते में एक दो दिन, किस हिसाब से पढ़ाई करनी है, और अगर कोई जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए भी मैं फाउंडेशन कोर्स आपको बता दूंगा कि अभी से आप किस तरीके से इनकलकेट कर सकते हो छोटी छोटी चीजें। सो फंडामेंटल क्वांटिटी से निकल कर आया पार्ट मेरा फंडामेंटल यूनिट्स का। तो फंडामेंटल क्वांटिटी से निकल कर आया पार्ट मेरा फंडामेंटल यूनिट्स का, जिसे हम बोल सकते हैं द यूनिट्स दैट आर यूज्ड टू मेजर, that are used to measure these fundamental quantities, इनको measure करने के लिए जो units ली जाती हैं, या इनको measure करने के लिए जो fundamental quantities ली जाती हैं, उन्हें हम units बोलते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो आप units ले रहे हैं वो unit होगी किस किस system में, क्योंकि अगर हम देखें तो LBS में weight नापता है लंडन, और हम लोग भारतीय जो होते हैं वो kg में weight नापते हैं, तो दोनों में फर्क आ गया। सो दैट मींस वो सिस्टम कैसे डिसाइड हो, तो इसके लिए हमने SI सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया, स्टैंडर्ड बनाया, उस हिसाब से हमने आगे काम किया, जिसमें मैं अगला पार्ट लिख रहा हूं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें पहला सिस्टम है जिसको बोला जाता है CGS सिस्टम,
जो दूसरा सिस्टम हम देखने वाले हैं इसको बोला जाता है एमकेएस सिस्टम, जो तीसरा सिस्टम हम देखने वाले हैं इसे बोला जाता है एफपीएस सिस्टम, और जो चौथा सिस्टम हम देखने वाले हैं या देख चुके हैं लास्ट 10th क्लास में भी, जैसे एसआई यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, तो ये एसआई यूनिट होती है जो कि स्टैंडर्ड यूनिट होती है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। बाकी ये वाली जो यूनिट्स हैं ये वेरी करती रहती हैं कंट्री टू कंट्री, लेकिन ये वाली जो चौथी यूनिट है ये ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट होती है। सो सीजीएस का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, ये लिख लेना पाठ साथ साथ। जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। एमकेएस पर आते हैं, इसका मतलब होता है एम का मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम केजी, और एस का मतलब सेम सेकंड। एफपीएस पर आते हैं, फूट, एफ फॉर फूट एंड पी फॉर पाउंड एंड एस फॉर सेकंड। एसआई सिस्टम हम अभी इससे एक्सप्लेनेशन में लेंगे। तो ये सब चीजें हमने देखी जो भारत इंडियन सिस्टम काम करता है, इंडियन सिस्टम ज्यादातर एमकेएस पर काम करता है। एमकेएस एम फॉर मीटर, मीटर की यूनिट क्या होती है लेंथ, इसको हम एल भी लिख देते हैं, इसको एम लिख लेते हैं, इसे एल लिख लेते हैं, इसे टी लिख लेते हैं। तो इंडियन सिस्टम एमएलटी पर काम करता है। एम किलोग्राम जो है वो मास से रिलेटेड है तो एम लिख दिया, मीटर जो है वो लेंथ से रिलेटेड है तो एल लिख दिया, और सेकंड जो है वो टाइम से रिलेटेड है तो यहाँ टी लिख दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। देन फिर हम आगे बढ़ते हैं कि मेजरमेंट क्या होती है, यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है, एंड देन फिर सेवन फंडामेंटल यूनिट्स की तरफ चलेंगे। फिर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर समझाऊंगा कि डिफाइन वन मीटर, डिफाइन वन सेकेंड, ये सब चीजें क्या हो। इतना नोट डाउन कर लो, जिसका होता जाए मुझे कंफर्मेशन देना। थोड़ा जल्दी लिखेंगे, जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी हम आगे का पाठ कर पाएंगे। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है जिनको हम फिजिकली मेजर कर पाए, दैट्स इट। तो इसके बारे में हम लिख लेंगे, ये वो क्वांटिटीज होती हैं, ऑल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टाइम ले लिया, लेंथ, मास हो गया, फोर्स हो गया, वर्क डन एक्सेट्रा, तो ये सारी के सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज गिनी जाती है। एक आती है, एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा आता है मेजरमेंट क्या होता है, अगर ये पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे, व्हाट डू मीन बाय द मेजरमेंट। क्वांटिटीज का कंपैरिजन करना ही मेजरमेंट होता है। इट इज द, बस थोड़ी देर का थ्योरी पार्ट फिर शुरू करते हैं, इंटरेस्टिंग। इट इज द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं, एक तरफ है मेरे पास 2 kg और दूसरी तरफ है मेरे पास 10 kg, इनका कंपैरिजन तभी हो पाएगा जब इनकी यूनिट सेम होगी। मान लो एक तरफ मैं ले लेता 2 kg और दूसरी तरफ ले लेता मैं 3 meter, तो क्या इनका कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मेजरमेंट करने के लिए कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड सेम फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। अगर यहां पर हम मास ले रहे हैं तो यहां पर भी मास ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक जगह हम मास ले लें और एक जगह हम लेंथ ले लें, इसको हम कंपैरिजन नहीं ले सकते। लेंथ को लेंथ के साथ ही कंपेयर करेंगे, मास को मास के साथ ही कंपेयर करेंगे। अब 2 kg मास, 3 meter लेंथ, कौन सा बड़ा है नहीं बता सकते, है ना। मान लो बाजार में गए, हमने 3 toffee ले ली और एक साइड मैंने 5 toffee ले ली, तो मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा ना कौन सा ज्यादा है। लेकिन एक साइड अगर मैंने 3 toffee ले ली और 1 ketchup ले ली, तो क्या कंपैरिजन कर पाओगे कौन सा बड़ा है, क्योंकि मटेरियल ही सेम नहीं है।
सो दैट मीन्स इसीलिए इन्होंने क्या लिखा, सेम फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद फिर आता है यूनिट के बारे में कि यूनिट की बेसिक डेफिनेशन क्या होगी। तो यूनिट में हम लिखेंगे ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी एंड दीज स्टैंडर्ड एंड दीज स्टैंडर्ड आर कॉल्ड यूनिट्स। एग्जाम्पल लेंगे हम सेकेंड, मीटर एंड केजी एक्सेट्रा। सो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी एंड द स्टैंडर्ड आर कॉल्ड द यूनिट्स। इसके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे, जैसे सेकेंड हुआ, मीटर हुआ, केजी हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो अब शुरू होगा कि हमने एक बंच बना लिया। अभी आप मैथमेटिक्स में सेट चैप्टर पढ़ेंगे तो सेट चैप्टर में हम क्या बोलते थे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, एक ही जगह पर वो सारे मटेरियल को इकट्ठा कर देना। ऐसे ही अब हम यूनिट का सेट बनाने वाले हैं जिसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स हम रखेंगे। उन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर हमने फिर डिराइव यूनिट निकाली। यहां तक मुझे कंफर्मेशन दो फिर आगे बढ़ते हैं, उसमें पूछा जाएगा सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये जो सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज है इसमें हमने कौन कौन सी यूनिट ली, और सबसे पहली बात ली क्यों, क्योंकि फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब इंडिपेंडेंट होगा, सो दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे, दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और यहां पर हम एक चेन बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, जिसमें एक साइड लिखेंगे हम फिजिकल क्वांटिटीज एक साइड लिखेंगे हम इसकी यूनिट्स, और यूनिट भी यहां पर एसआई सिस्टम जो कि हमें एक्सप्लेनेशन में लेना था, और एक तरफ यूनिट लिखेंगे हम इसकी सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग, सीजीएस सिस्टम, और फिर इसकी नोटेशन। इसकी नोटेशन तो जो पहली यूनिट होगी उसको बोला जाता है मास, जो दूसरी यूनिट होगी उसको बोला जाता है लेंथ। ये फंडामेंटल यूनिट है सारी। तीसरी यूनिट जो होगी उसे बोलते हैं हम टाइम, और जो चौथी यूनिट होती है उसे हम बोलेंगे टेम्परेचर। ये कभी भी एक दूसरे से लिंकअप नहीं होती। पांचवी यूनिट जो होगी इसको हम बोलेंगे करंट। छठी यूनिट जो होगी उसको हम बोलेंगे ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और सातवीं यूनिट जो होगी उसे हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अगर मैं यहां पर नोटेशन दूं तो मास की ऐसा यूनिट क्या होती है केजी, लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर, टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन जिसे हम के से डिनोट कर देते हैं, करंट की ऐसा यूनिट हम पढ़ चुके हैं एम्पियर, लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस का मतलब होता है चमकना, तो लुमिनियस इंटेंसिटी चमकने की क्षमता किसमें कितनी है। एक 100 वाट का बल्ब लगा दिया, एक 0 वाट का बल्ब लगा दिया, कौन सा ज्यादा चमकेगा, 100 वाट वाला, तो उसकी लुमिनियस इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, तो उसको हम लेते हैं कैंडेला में सीडी। ये एक नंबर में अलग से पूछ लेगा कैंडेला।
CANDELA. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्लास नाइन्थ में पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में मोल, और अभी भी हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इलेवेंथ में. तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड आर मोल. अगर इसी को सीजीएस सिस्टम में देखते हैं तो सीजीएस सिस्टम में केजी का हो जाएगा ग्राम, मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर, टाइम सेम रहेगा, केल्विन का हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, एम्पियर का एम्पियर सेम रहेगा, कैंडेला की कोई यूनिट नहीं होती सीजीएस में, मोल की भी कोई यूनिट नहीं होती सीजीएस में. अगर मैं यहां पर नोटेशन की बात करता हूं तो यहां पर नोटेशन मास को हमने एम दी है और लेंथ को एल दी है, टाइम को हमने टी बोला है, केल्विन को हमने थीटा नोटेशन दी है. थीटा से कभी भी बुक के अंदर नोटेशन आ जाए तो समझ जाना टेम्परेचर है. और यहां पर हमने करंट को आई और ए से नोटेशन दिया है, कैंडेला को हमने सी डी से नोटिफाई किया है और मोल को हमने एमओ एल से नोटिफाई किया है. तो ये हमारा चार्ट था सेवन फंडामेंटल यूनिट्स का जो कि हमें याद रखना है. और एग्जाम में ये चार्ट पूरा बनाने को आ जाता है, नहीं तो एक एक नंबर में इनकी यूनिट्स पूछ लेंगे जिसमें लुमिनियस इंटेंसिटी सबसे ज्यादा बार पूछा है. यहां तक मुझे कंफर्मेशन दो फिर आगे बढ़ते हैं. पुण्य बीच में आप चले गए थे, नाम मुझे शो नहीं हो रहा था. टॉपिक समझ में आ गया या दोबारा बताना है? ओके, मिताली को भी क्लियर है, लवण्या लिख लिया सभी ने, मिटा दें. इसके बाद मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर के ऊपर बात करूंगा कि हमने अभी तक बहुत बार सुना होगा कि एक मीटर क्या होता है या वन सेकेंड क्या होता है. अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि वन मीटर की डेफिनेशन क्या होगी तो क्या हम बता पाएंगे? डिफाइन वन मीटर, ये क्वेश्चन कई बार टीचर्स भी आपसे क्लास में पूछ लेंगी लेकिन आंसर किसी के पास नहीं होता. तो ये कैसे निकलेगा इसके बारे में मैं आपको अब जानकारी दूंगा. ओके, इसे रब कर रहे हैं, बाकी नोट्स में मैंने सब दे रखा है आपको. अभी अभी हमने क्या बात की थी, इजिप्ट के राजा की बात की थी. वो कहानी याद रखना हमेशा, इजिप्ट के राजा की. इजिप्ट के राजा की जब हमने बात की थी तो वहां प्रॉब्लम क्या आई थी कि कोई ऐसी चीज हमें लेनी होगी जो कांस्टेंट रहे दिग्दिगांतर तक, चाहे हमसे आगे वाली पीढ़ियां 10 पीढ़ियां आ जाए, चाहे 100 साल हो जाए, चाहे 1000 साल बाद हो जाए, वो क्वांटिटी चेंज ना हो. दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटी. तो हमारे पास एक निष्कर्ष निकला कि जो लाइट की स्पीड होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट, ये कभी भी चेंज नहीं होती. स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. इसका मतलब चाहे हम रहें या हम ना रहें, हमसे पहले जो जितने लोग आए थे और हमारे बाद जितने लोग आएंगे, लाइट की स्पीड हर टाइम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रहनी है. यहां पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक मीटर कितना होता है, डिफाइन वन मीटर, या पूछ लिया जाए कि ये बताओ एक किलो कितना होता है, डिफाइन वन केजी, तो हमारे पास कोई आधार नहीं था. तो हमने बेस किसको माना, लाइट की स्पीड को. एक लाइट की स्पीड एक ऐसी स्पीड है जिसके बारे में कोई भी कहे तो वो कहेगा कि ये सेम रहेगी पूरे अंतरिक्ष में हमेशा, क्योंकि वैक्यूम में ट्रेवल करती है. तो वैक्यूम में या एयर में जब भी ये ट्रेवल करती है तो इसकी स्पीड सेम रहती है. अगर इसके बारे में मैं जानकारी लूं तो अगर मैं इंडिया का मैप बनाने की यहां कोशिश करूं तो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं कि लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा होती है, देखना जरा. अपने भारत से इसको एस्टिमेशन में लेंगे, लेट सपोज यहां पर जे एंड के है जम्मू एंड कश्मीर और यहां पर है कन्याकुमारी. तो ज्योग्राफी में हमने लास्ट ईयर ही पढ़ा हुआ है या नाइन्थ में भी पढ़ा था कि जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस कितना होता है. जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस होता है लमसम 3200 किलोमीटर. तो हम लमसम 3000 किलोमीटर मान लें, 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस. अगर लाइट को जम्मू कश्मीर से दौड़ा दिया जाए कन्याकुमारी तक तो ये कितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी. अब इस पर आना, लाइट पर आना, लाइट की स्पीड थी 3 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड। अगर मैं यहां पर इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या होगा यहां पर 1000 से डिवाइड, तो यहां आ जाएगा मेरे पास 3 मल्टीप्लाई 10 टू बार 1000 से डिवाइड कराएंगे तो 8 में से 3 जीरो गए 5 आएगा, यह आ जाएगा 3 किलोमीटर पर सेकेंड। अभी जो 10 टू पार 5 है, 5 जीरो किसके आगे आते हैं, लाख के, करोड़ में 7 आते हैं, लाख में 5 आते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये लिख सकते हैं। मतलब लाइट एक सेकेंड में, ध्यान से समझना मेरी बात को, लाइट एक सेकेंड में 300,000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अगर मैं यहां पर बात करूं 3000 है, यहां तो 2 जीरो और चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 कराने पर यहां पर भी 5 जीरो आ जाएंगी। दैट मीन्स लाइट एक सेकेंड में 100 चक्कर मार देगी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ऑब्जर्वेशन में लेना, ध्यान से अनुभव करना, इस एक्सपीरियंस में लेना कि लाइट अगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है तो वो एक सेकेंड में 100 चक्कर मार देगी। हम एक चक्कर ही पता नहीं कितने घंटों में मारेंगे, फ्लाइट में भी बैठेंगे तो भी 2-4 घंटे तो लगते हैं जाने में, लेकिन लाइट तो एक सेकेंड में 100 बार चक्कर मार देगी। दैट मीन्स लाइट को कोई पछाड़ सकेगा क्या? नहीं। तो सुपर 30 में एक डायलॉग भी था ना, एक बच्चा जब कोचिंग क्लासेस के लिए जा रहा था ट्रक के पीछे रस्सी बांध कर, तो उसने बोला था कि गति या प्रकाश की गति से जो आगे चला जाएगा वो फ्यूचर को पछाड़ देता है, मतलब जो टाइम को पछाड़ देता है। तो जो टाइम मशीन है, जो फ्यूचर मशीन है, वो इस टाइम पर ही तो बंदी। सीधे सीधे मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो हमारी स्पीड है लाइट की, वो लेंथ के साथ रिलेट हो रही है, क्योंकि ये तो डिराइव क्वांटिटी है, इट इज नॉट एन फंडामेंटल क्वांटिटी। ध्यान रखना, क्योंकि इसमें मीटर भी आ रहा है, इसमें सेकंड भी आ रहा है, ये दो चीजों से मिलकर बना है। तो दो चीजों से जो चीज मिलकर बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिराइव यूनिट। उसे हम बोलते हैं डिराइव यूनिट। और फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? जो दो चीजों से मिलकर नहीं बनती, जो सिंगल आइटम से बन जाए, या तो इंडिविजुअली मीटर से ही बन जाए या वो इंडिविजुअली सेकंड से ही बन जाए, तो उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। सो अगर मैं यहां पर 1 मीटर की डेफिनेशन ढूंढना चाहता था, तो 1 मीटर की डेफिनेशन क्या होगी? ध्यान से देखो, यहां पर मेरे पास क्या आया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आया कि नहीं आया? अगर मैं यहां पर 1 मीटर ढूंढना चाहता हूं तो सेकेंड उधर चला जाएगा। यहां पर आप बॉक्स बना लो, खाली बॉक्स बना लो, मुझे 1 मीटर चाहिए, सेकेंड को इस बॉक्स में डाल दो, सेकेंड को इस बॉक्स में डाल दिया, यहां पर क्या बना? 3 × 10⁸ मीटर आया। अब इस पार्ट को नीचे ले आएंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/3 × 10⁸ इज इक्वल टू मीटर। तो 1 मीटर में, 1 मीटर का मतलब क्या होता है कि लाइट इतने सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दे वो 1 मीटर हुआ। ध्यान से समझना, लाइट 1/3 × 10⁸ में 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दे उसे हम 1 मीटर बोलते हैं। अगर मैं यहां पे टाइम को लूं और लाइट को ट्रेवल करवाऊं, तो जैसी अब यहां देखना है, सेकेंड भी कितना छोटा है कि 1/3 × 10⁸, मतलब 1 के कितने सारे पार्ट हो जाएंगे, कितना छोटा सेकेंड कर दिया ना, कि इतनी सेकेंड में ये जो भी अमाउंट है हमारे पास, इतनी सेकेंड में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दे उसे हम 1 मीटर के दायरे में लेने लगे। तो इसके अप्रोक्सीमेटली वैल्यू में हम लिखते हैं, तो लेंथ जो हम बोलते हैं 1 मीटर, इसकी डेफिनेशन यहीं से बन जाती है। सो लेंथ के बारे में अगर आपसे कभी कोई बात करे या 1 मीटर के बारे में बात करे तो आपको यही लिखना है, और ये बहुत कम बच्चों को पता होता है, या तो रट्टा ही लगाते हैं या फिर अनुभव नहीं होता। तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी, आप बस इसको रिपीट करके याद रखना लंबे समय तक। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/3 × 10⁸ सेकेंड इज कॉल्ड 1 मीटर। तो 3 × 10⁸ सेकेंड इज कॉल्ड 1 मीटर। फटाफट इसे लिखेंगे, फिर मास के ऊपर बात करेंगे। जैसे 1 मीटर के बारे में बात की, अब हम मास के ऊपर बात करेंगे कि डिफाइन 1 kg, 1 किलो क्या होता है। फिर चलेंगे हम कुछ और यूनिट्स की तरफ।
जिसका होता जाए मुझे कंफर्मेशन देना। ओके, पुण्य का हो गया, लवण्य का भी हो गया, मिताली आपका हो गया। इसके बाद जो सेवन फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसके बारे में एग्जाम में आया तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एज एन डेफिनेशन के तौर पर नोट्स में आपको दे दिया है। मेन 1 मीटर और 1 kg रहता है, जिसमें 1 मीटर हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम कंप्लीट करने वाले हैं 1 kg। 1 किलो क्या होता है? अब हमारी दुनिया के सामने ये समस्या आई कि 1 किलो जो वेट है उसको किससे नापा जाए। क्या एज्यूम किया जाए कि पूरी दुनिया मान ले कि ये 1 किलो है, तो केजी जो यूनिट थी वो मास की है। तो हमने क्या काम किया, हमने एक सिलेंडर लिया और ये सिलेंडर आज भी रखा हुआ है इंटरनेशनल ब्यूरो में, जो यूनिट्स का डिपार्टमेंट है वहां पर ये सिलेंडर आज भी रखा हुआ। द मास ऑफ सिलेंडर मेड ऑफ प्लेटिनम एंड इंडियम, ये दो चीजों से ये मिलाया गया है, प्लेटिनम एंड इंडियम, तो इसे अलॉय बोलेंगे। दो मेटल हो या दो नॉन मेटल हो या मेटल और नॉन मेटल हो, उन दो चीजों से कोई भी चीज बनती है तो अलॉय बोलते हैं। ये हमने पढ़ा था अपने एसिड बेसिस और सॉल्ट में भी और अपना मेटल एंड नॉन मेटल में भी क्लास 10th में। सो नाउ यहां पर ये बोला गया कि प्लेटिनम और इंडियम का अलॉय अगर हम बना लें और उसका जितना वेट होगा, उसका जितना भी वेट होगा उसे हम 1 kg बोलेंगे, सिंपल एंड शॉर्ट। ये तो बहुत आसान डेफिनेशन थी, तो इन्होंने इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा कि द मास ऑफ अ सिलेंडर मेड ऑफ प्लेटिनम एंड इंडियम अलॉय कैप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर इज डिफाइंड एज 1 kg। सो मास ऑफ अ सिलेंडर मेड अप ऑफ प्लेटिनम एंड इंडियम अलॉय कैप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स, जो कि एक संस्था है, एंड मेजर इज डिफाइंड एज 1 kg। तो लेंथ हो गया, मास हो गया, 1 kg हो गया। अब यहीं पर हम कुछ और यूनिट्स की बात करते हैं। हमने फंडामेंटल यूनिट्स यहां पर देख ली, अब हम कुछ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करेंगे। अभी तक हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जानकारी ली थी, जिसके अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, लुमिनस इंटेंसिटी थी, टेम्परेचर था, इलेक्ट्रिक करंट था, सेकंड था, मास था और लेंथ था। ये 7 यूनिट्स हमने देखे थे। इसके अलावा ना 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और आती हैं जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आई होप ये आपने लिख लिया होगा, अदरवाइज नोट्स में भी मैंने दे रखा। टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और ये बहुत काम की चीज है, जितने भी हम न्यूमेरिकल आगे करेंगे ये बहुत काम आने वाली है। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आई कहां से थी? तो पहली यूनिट है हमारे पास जो हम पढ़ेंगे यहां, इट इज आर प्लेन एंगल, इट इज आर प्लेन एंगल, और इसकी जो यूनिट होती है इसे बोला जाता है रेडियन। ये बहुत काम की चीज है, पूरे साल हम इसे देखने वाले हैं। और जो दूसरी यूनिट हमारे पास आती है इसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इसकी यूनिट होती है स्टी रेडियन।
तो ये हमारे सीबीएसई के सिलेबस में ज्यादा बार नहीं आती, लेकिन हाँ आईआईटी जेई में सबसे ज्यादा बार आती है सॉलिड एंगल। तो हम इन दोनों की ही जानकारी ले लेंगे। तो एक है हमारे पास प्लेन एंगल और दूसरी तरफ है हमारे पास सॉलिड एंगल, इतना लिख लें फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्लेन एंगल है ये आता कहां से है? प्लेन मतलब प्लेट, एक ही प्लेन में हो, जैसे थाली होती है ना खाने की, वैसा कुछ मैं यहां पर बना देता हूं। तो लेट सपोज ये मेरा एक सर्कल है, प्लेन है, और ये इसका सेंटर है O। अगर मैं देखूं तो यहां से यहां तक का रेडियस है मेरे पास R, और यहां एक पार्टिकल था लेट सपोज A, ये पार्टिकल दौड़ लगाता हुआ इधर पहुंच जाता है B पोर्शन पर। तो पार्टिकल A पर था, फिर पार्टिकल दौड़ लगाता हुआ कहां चला जाता है? B पर। तो यहां से लेकर यहां तक ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है, अगर मैं देखूं तो ये जो इतना रीजन मेरे पास आया, इस रीजन को मैं बाहर निकाल के लाने वाला हूं। अब सारा मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट होगा, काफी देर हो गई थी थ्योरी करते हुए। तो इस पोर्शन को अगर मैं बाहर निकाल के ले आऊं तो ये कुछ ऐसा मुझे दिखाई देगा, ऐसा ना? बिल्कुल। अब यह ध्यान से देखना, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी क्लास 10 में, ये वाला एंगल तो मान लो कुछ ना कुछ रहा होगा थीटा, या हम छोटा सा एंगल लें तो डी थीटा। अगर इस आर्क को मैं बड़ा कर दूं, इस आर्क को मैं बड़ा कर दूं तो क्या होगा? मैं बताना क्या चाहता हूं, लेट्स सी कि आपने जैसे क्रिकेट स्टेडियम देखा है, तो क्रिकेट स्टेडियम पर यहां सेंटर पर पिच होती है, कोई भी बैट्समैन अगर कोई चौका या छक्का मारता है तो उसे राउंड बाउंड्री नहीं दिखती दूर से, उसे बस सिंगल बाउंड्री स्ट्रेट लाइन दिखती है, प्रोजेक्शन दिखता है। दोबारा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि लेट सपोज अगर मेरे पास ये आर्क फॉर्मेशन है और अगर ये बॉडी यहां पर है, पास में है, स्टेरेडियन नहीं करा रहा हूं मैं, प्लेन एंगल पे बना रहा हूं, ठीक है? तो एंगल मेरा बनेगा कुछ थीटा वन। अब मान लो ये बॉडी और दूर चली जाती, अब देखना एंगल और छोटा हो गया थीटा टू। अगर ये बॉडी और दूर से जाके देखती तो अब मेरे पास जो एंगल आएगा वो और छोटा एंगल आएगा थीटा थ्री। ऐसी करते करते अगर मैं बहुत ज्यादा दूर चला जाता हूं तो एंगल मुझे बहुत छोटा देखना पड़ेगा ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहां पर खड़े हो तो आपको ऊंचाई पर देखने में अपना सर ज्यादा ऊंचा करना पड़ेगा तो एंगल ज्यादा बड़ा। थोड़ा और पीछे आओगे एंगल और छोटा, और पीछे आओगे एंगल और छोटा, और पीछे आओगे एंगल और छोटा, और बहुत ज्यादा पीछे चले जाओगे तो एंगल बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप इस प्लेन एंगल को अर्थ मान लो, ये धरती है और धरती का भी तो रेडियस बहुत ज्यादा ही होता है, 64 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर होता है लमसम। दैट मीन्स अगर मैं अर्थ के किसी पॉइंट से अर्थ का कोई भी पैटर्न देखूं तो क्या आपको अर्थ गोल नजर आती है? नहीं आती। हमें तो हमेशा उसका प्रोजेक्शन सीधा नजर आता है, तो दैट मीन्स हमें तो स्ट्रेट लाइन नजर आएगी दूर से देखने पर। तो हमें ये मुड़ा हुआ पार्ट कभी दूर से देखने पर नजर नहीं आता, हमें तो ये सीधी लाइन नजर आएगी दूर से देखने पर। सो कहने का मतलब ये है कि ए से बी पर ये जो पार्ट, ये जो पार्टिकल था, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे हम एल बोलते हैं, लेंथ, और इस एल को लेंथ ऑफ आर्क बोला जाता है, इसे लेंथ ऑफ आर्क बोला जाता है। अगर मैं यहां पर एक ओ पॉइंट लेता हूं, ये, और यहां पर देखें तो ये एंगल तो बहुत दूर बन रहा होगा, मतलब एंगल बहुत छोटा हो जाता है। अगर जो एंगल छोटा होता है उसे डिफरेंशिएशन से डिनोट करते हैं, डी थीटा, डी फॉर डिफरेंशिएशन, जिसके लिए हम बहुत छोटे छोटे पार्ट लेते हैं, तो बहुत छोटा एंगल होने के कारण हम इसे डी थीटा भी बोल देते हैं। बहरहाल अभी हमें अगर डी नहीं समझ में आ रहा तो हम थीटा भी इसे लिख सकते हैं, और दूर से देखने पर हमें सिर्फ इसका प्रोजेक्शन नजर आएगा, ऐसा कुछ पार्ट नजर आएगा। दैट मीन्स एल हमारे लिए यही हो जाएगा और ये हमारा रेडियस होगा। अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दूंगा पी बाय बी, जो कि टेन थीटा होता है। सो टेन थीटा आ जाएगा मेरे पास पी बाय बी, परपेंडिकुलर है लेंथ और बेस है मेरे पास रेडियस। अब जैसा कि हमने बात की थी कि थीटा एंगल हमारा बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा थीटा एंगल, अगर बहुत छोटा बनता है तो जितनी भी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू है वो बराबर हो जाती है थीटा के।
कि अगर हम थीटा एंगल बहुत छोटा लेते हैं तो कोई मायने नहीं रखता व्हाट डू मीन बाय द टेन थीटा, व्हाट डू मीन बाय द टेन 60 डिग्री एंड व्हाट डू मीन बाय द टेन 30 डिग्री, क्योंकि अगर वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हट जाती है आगे से। दैट मीन्स अगर थीटा बहुत छोटा है तो इस टेन के कोई मायने नहीं रहते, ये टेन थीटा रिड्यूस हो जाएगा थीटा फॉर्म में, जो कि आ जाएगा एल अपॉन आर। सो थीटा मेरे पास क्या बन गया, एल अपॉन आर। तो यहां से अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क निकालता हूं तो वो किसके बराबर होगी, आर थीटा के बराबर होगी। सो लेंथ ऑफ आर आर इंटू थीटा के बराबर है। सो एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ आर, ये हमें न्यूमेरिकल में खूब यूज करनी है, और आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्व, एंड थीटा का मतलब होगा एंगल सबस्टेंडेड बाय दिस आर, एंगल सबस्टेंड ऑन दिस आर्क। सो एल हो गया लेंथ, आर हो गया रेडियस, एंड थीटा हो गया एंगल सबस्टेंड ऑन दिस आर्क। तो इसे हम प्लेन एंगल बोला करते हैं। फिर आते हैं सॉलिड एंगल पर, स्टी रेडियन जिसको बोला जाता है, यहां तक नोट डाउन कर लो। और इसकी यूनिट क्या होती है प्लेन एंगल की, जो थीटा हमारा निकलेगा ना, इसकी यूनिट होगी रेडियन।